हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की शुरुआत हो रही है मेरी इन नैकिन के मिनी समोसों के साथ। और इसमें जो फीलिंग कर रखी है विथ चीज़ एंड कोन की फीलिंग कर रखी है, वैसे हम जब समोसे खाते हैं तो उसमें आलू की फीलिंग होती है, बट इसमें चीज़ एंड कोन की फीलिंग है। आप लोगों को सबको पता है कि मैं बाहर का समोसा वगैरह अवॉइड करती हूँ, तो मैंने ये लाया पैकेट वाला समोसा। तो मैं सोच रही क्यों ना इसको ट्राई कर लिया जाए और खा लिया जाए। एक्चुअली मैंने पहले भी इसे खाया है एक बार, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ये लेके आई थी परसों, ये एक पैकेट लेके आई थी, मुझे पड़ा 140 रुपये का। और जो मैं एक पैकेट मैं दो पैकेट लेके आई थी, तो उसके साथ मुझे ऑफर मिला, उसमें मेरे को 150 रुपये का मिला, उसमें मेरे को फ्रेंच फ्राइज एंड स्पाइसी मिली। वो भी मैं जब बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिलहाल मैं अभी ये समोसे बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो इसकी छोटी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। और सुबह का टाइम भी है और मौसम भी आजकल चेंज हो रहा है थोड़ा, तो मैंने कहा चलो चाय और गरम गरम समोसे खा लिया जाए। तो फटाफट से बनाती हूँ इसको। इसकी फीलिंग को किस तरीके से आप देख सकते हो, छोटे 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 समोसे हैं। और क्या मुश्किल से इसमें मेरे ख्याल से 10-12 पीस के अराउंड होंगे, 10-12 पीस आए इसमें। तो अब हो गई है मेरी कढ़ाई गरम, तो मैं डाल रही हूँ उसमें तेल। और ये ज़्यादा तेल में फ्राई नहीं होते, हल्का तेल डाल सकते हो आप, जैसे कचरी वगैरह फ्राई करते हो उसमें आप इनको फ्राई कर सकते हो। और ये वाकई में खाने में। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जो आप लाते हो समोसे, ये जो मैकिन के समोसे होते हैं या स्माइल होती है, फ्रेंच फ्राइज होते हैं, इनको हमेशा डीप फ्रीज में रखना होता है। इनको आप नीचे फ्रीज में नहीं रख सकते क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं, इनको डीप फ्रीज में ही रखना होता है। मैंने डीप फ्रीज में रखा हुआ था, आप देख सकते हैं, तो कोई बर्फ बर्फ कुछ नहीं जम रखी है, ये डीप फ्रीज में ही रखते हैं। जहाँ से मैं लाई थी शॉप से, उन्होंने बोला था इसे डीप फ्रीज में रखना होता है। फिलहाल यहाँ पे मेरे समोसे बन के रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने चाय ला दी है, फटाफट से इसका मज़ा लेते हैं। तो ये मेरी छोटी सी समोसों की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये मैं छोटी सी रेसिपी थी, आज मैं कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बना रही क्योंकि ब्लॉग मेरे पास ऑलरेडी पहले का पेंडिंग पड़ा हुआ है करवा चौथ का, वो ब्लॉग मैंने एडिटिंग नहीं कराया, तो मैं आज उसको एडिटिंग करती हूँ, वो ब्लॉग डालती हूँ। और ये छोटी सी रेसिपी थी, मैंने बहुत टाइम से आप लोगों को कोई खाने की कोई रेसिपी नहीं दी, मैंने कहा चलो इसकी रेसिपी बना देती हूँ एक छोटी सी, इसके अब मतलब छोटा सा ब्लॉग बना देती हूँ एक खाने का रेसिपी का। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत बार कमेंट कर चुके हैं कि आप खाने की वीडियो बनाओ, ईटिंग करने का वीडियो बनाओ, तो मैं करूँगी थोड़े टाइम बाद करूँगी, अभी नहीं कर सकती, थोड़े टाइम बाद करूँगी। बट तो फिलहाल आज के लिए ये छोटा सा मेरा मीकेन का मिनी समोसे की छोटी सी रेसिपी थी। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।